हेलो गाइस, कैसे सभी फिट और फाइन होंगे? अच्छे से अपना गेम प्ले कर रहे होंगे दोस्तों। मैं हूं आपका अपना एसके भाई, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके गेमिंग पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम यूनिवर्सल फ्रेगमेंट्स के बारे में। तो आखिरकार ये यूनिवर्सल फ्रेगमेंट्स होते क्या हैं, वो सब कुछ इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो गाइस, जो ये यूनिवर्सल फ्रेगमेंट्स होते हैं, आप एक बार इनको देख लीजिए, आखिरकार ये दिखते किस तरीके के हैं और आखिरकार इनकी खास बातें क्या होती हैं। तो आ जाते हैं हम अदर्स पे और यहाँ पे देख लेते हैं ये वाले। तो गाइज, आप देख सकते हैं ये वाले जो फ्रेगमेंट्स होते हैं, इनको हम यूनिवर्सल फ्रेगमेंट्स कहते हैं। और इनकी एक खास बात होती है कि ये इस तरीके के फ्रेगमेंट्स होते हैं जिनको आप किसी भी करेक्टर के फ्रेगमेंट्स में चेंज कर सकते हैं। ठीक है गाइज, जैसे कि आपको मान लो आपको जो कला करेक्टर है उसमें आपको क्या हो रखा है कि भाई कुछ फ्रेगमेंट्स की ज़रूरत पड़ रही है। मान लो भाई आपको 100 या 200 फ्रेगमेंट्स की ज़रूरत पड़ रही है, तो क्या करेंगे आप, इन फ्रेगमेंट्स का यूज़ करके इंस्टेंटली, मतलब इन फ्रेगमेंट्स का आप यूज़ करेंगे और इनको चेंज कर लेंगे कला के फ्रेगमेंट्स में। ठीक है गाइज, तो ये होते हैं यूनिवर्सल फ्रेगमेंट्स जिनको हम किसी के करेक्टर के फ्रेगमेंट्स में चेंज कर सकते हैं। तो गाइज, आपको मैं एक बार चेंज करके दिखा देता हूँ। तो हम यूज़ पे यहाँ पे क्लिक करते हैं और यूज़ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, यानी कि जितने भी आपने करेक्टर्स ले रखे सब इधर ओपन हो जाएंगे। तो गाइज, मैं जो ये यूनिवर्सल फ्रेगमेंट्स हैं इनका मैं यूज़ करने वाला हूँ जोटा करेक्टर के अंदर। ठीक है, क्योंकि मेरे को जोटा करेक्टर के फ्रेगमेंट्स चाहिए, इसलिए मैं जोटा करेक्टर के अंदर इनका यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे गाइज, इनकी कुछ लिमिट दे रखी है कि भाई आप कितने लिमिट तक, मतलब आप कितने फ्रेगमेंट्स यूज़ करना चाहते हैं जोटा करेक्टर के फ्रेगमेंट्स में। ठीक है गाइज, तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास अभी 450 के आसपास जो हैं ये यूनिवर्सल फ्रेगमेंट्स हैं। तो मैं 450 के 450 यूज़ करने वाला हूँ इसके अंदर। ठीक है गाइज, तो मैं यहाँ पे इसको मैक्स कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने इसको मैक्स किया, तो आप देख सकते हैं कि मेरे सारे फ्रेगमेंट जो यूनिवर्सल फ्रेगमेंट्स थे वो जोटा के फ्रेगमेंट्स के अंदर ऐड हो चुके हैं। आप देख सकते हैं गाइज, यहाँ पे मेरे 502 हो चुके हैं और जो यूनिवर्सल फ्रेगमेंट्स थे वो यहाँ पे मेरे 0 हो सकते हैं। तो गाइज, आप मैक्स ना करके आप कुछ, मतलब अगर आपको कम करने दिखे गाइज, आप इसकी लिमिट को घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, जो मर्जी आप कर सकते हैं। ठीक है गाइज, तो मैंने इसको यहाँ पे मैक्स कर दिया और सारे यूनिवर्सल फ्रेगमेंट्स को मैं जोटा करेक्टर के अंदर यूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं फाइनली इसको कन्फर्म ट्रांसफॉर्म कर देता हूँ यहाँ पे ट्रांसफॉर्म। तो गाइज, आप देख सकते हैं कि ये जो मेरे फ्रेगमेंट्स थे यूनिवर्सल, वो जोटा के फ्रेगमेंट्स में बदल चुके हैं। फाइनली आप देख सकते हैं जितने भी मेरे यूनिवर्सल वाले फ्रेगमेंट्स थे वो सारे जोटा करेक्टर के फ्रेगमेंट्स में बदल चुके हैं, और मेरे वो वाले जो फ्रेगमेंट्स थे अब जोटा करेक्टर के फ्रेगमेंट्स हो चुके हैं। ठीक है गाइज, तो यही होते हैं यूनिवर्सल फ्रेगमेंट्स। जिस भाई को नहीं पता था उसको भी अब पता लग चुका है। तो गाइज, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए एसके गेमिंग की वीडियोज़। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।